बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान मुगल और सुन के रहे हो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल नुमान मुगल ऑफिशियल। उम्मीद करना ठीक ठाक हो सो, हैरियत सो और अल्लाह तला ने हिफ्जो अमान चो सो। जो अज सा व्लॉग है, देसी व्लॉग है जनाब। इस टाइम अस पहाड़ी इलाके मौजूद हाँ। अज जरा तुसेंगी पहाड़ी इलाके जी जिंदगी वह दसा, सादा जिंदगी, देसी जिंदगी जनाब। बैक साइड तकी रहे हो कच्चे मकान बनते हुए, जैसा कि अजकल लोग बड़े अमीर न, कोठियां बनाने जदीद दौर होने के बावजूद भी अगर पहाड़ी इलाके तक किया जाए तो लोगों की जिंदगी बड़ी खुशहाल है और बड़ी देसी जिंदगी है। जैसा कि उन्होंने खुराक भी देसी, मकान भी कच्चे, उन्हें बड़ी पुरसकून जिंदगी बसर हुई है जनाब। थोड़ा इस साइड दसो दस पहाड़ी इलाके मौजूद हाँ। माशाल्लाह बड़े बुलंद तरीन जड़े ना पहाड़ भी इतना मौजूद न। अज अस आए हैं तुसेंगी पहाड़ी इलाके ना टोटली कल्चर दसा, जड़ा कुछ असा हो सके पूरी कोशिश कर सकते देसी माहौल दसने की, हर ही चीज़ हाईलाइट कर दसा। अज ना व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करने पहले रिक्वेस्ट है कि साढ़े यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब करी किनो और शुरू करने अज की मज़ेदार वीडियो। हाँ जी बिल्कुल, माड़ियों भैनों तो माड़े भ्राओ जनाब, तुम दसने कश्मीरी देसी मेवा पहाड़ी च आए हो तो फिर देसी मेवा नहीं खाधा तो फिर पहाड़ी च आई कि आए हो जनाब। जैसा कि असं पहाड़ी च मिले न आड़ू करे ने देसी जनाब, ए तो कह सकते जैसा कि तैयार हो रहे जे कच्चे जै तैयार उसन बिल्कुल जड़ा ना सुरख सुर जड़ा ना तैयार हो जाए, सुन इतने मज़ेदार उसन फिलहाल कच्चे न। जैसा कि फिर भी चेक कराने हैं कि किस तरीके ने इन्हें कोई मज़ा वगैरह आया। ठीक है जनाब, मैंने चार लाइन ठीक है। वाह, सही मजाक नहीं, सही बना के इतने मिट्टी का साफ नहीं किया जाना। दिल करना सारे खाई होना, अजय कच्चा है और इतना मजे ना। वाह, तो तकरीबन एक महीना लग सी और बिल्कुल जाना तैयार हो जा। ये थोड़ा बड़ा है, ये भी चेक करने हैं। वाह माशाल्लाह, कश्मीर देसी में भी नहीं क्या बात है। जनाब इस पहाड़ी एरिए असंगी कुछ बच्चे और साढ़े दोस्त भी जड़ा ना कुछ असें जानने रे मिली है। जैसा कि असा एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद हाँ जी कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और असंगी इतने चीज़ मिली है। जैसा कि असें भाई और दसा जनाब इतना केड़ी स्पेशल चीज़ है। जनाब इतना जाना कश्मीर ने कौमी दरख्त लगा लाए गए जाना जिन्हें चिनार कश्मीर ने कौमी दरख्त इतना काफी मकदार इतना एक दो त्रै चार बूटे सन बैकग्राउंड लगे हुए आवाम की दसो जरा कश्मीर ने कौमी जरा दरख्त ये ब्राइट फ्यूचर स्कूल जरा बच्चे की दसने पर लाए गए कि कश्मीर ने कौमी दरख्त बिल्कुल कश्मीर ना कौमी दरख्त। अच्छा कमरन भाई दसो पत्थर चेक करो जनाब, जैसे कि ये जरा ना आजाद कश्मीर ना कौमी जरा दरख्त है जिसने पत्थर तकी सकने हो। ये जैसा कि सरकारी जड़ियाँ गड्डिया वगैरह होनी है कोई सरकारी इमारत होनी है उन्होंने पर एक कौमी दरख्त जरा ना ये जरा पत्थर है ठीक है ये जरा ना लगे होना वै। जैसा कि तको पूरा दरख्त जरा इतना मौजूद है जनाब। पहाड़ी इलाके चलिया गड्डिया चलिया जनाब तकी सकने पुरानी गड्डिया इसलिए पोल लदे इसने पर बड़ी मजबूत गड्डी होनी है जनाब। पहाड़ी एरिए गड्डी कामयाब है। थोड़ा अगर आई जाना माइक अगे जनाब असें मिली है चाचा और जैसा कि अपने घर ने अंदर जड़ा ना बाग लाई रे पहाड़ भी पीछे है ठीक है तकी सकने हो ते बाकी चाचे और पूछने हैं चाचा इसलिए क्या करी ना। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे साने जी। अच्छा ये दसो के क्या करी रहे हो आज? ए जी थूम पटना पिया। थूम पटने पियो? हां थूम लाया सी ने। थूम लाया सी वालो या कोई थूम वागो गुजारे माफक होया। फिर भी कितना हो गया? तकरीबन 8-10 किलो हो गया। 8-10 किलो जनाब इन्हें घर जहाँ थूम हुआ। वैसे बाजारे क्या रेट चली रहा है? बाजारे 2-250 रुपया चल रहा है। 2-250 रुपया तो वैसे 10 किलो ने हिसाब है लो तो कितना जनाब निकली इसने कितना फायदा हुई है? फायदा हुई है घर बिल्कुल। डेली जरा ना बागे ने मेहनत शेहनत करने आज तकरीबन कर रहे हैं जिम्मेदार लोग घाटा वादा कर रहे हैं बिल्कुल। पहाड़ी लोग ने जो होने ना वो बड़े जिम्मेदार होने कितना टाइम जरा बागे देने
तकरीबन कोई हफ्ते 15 दिन बाद मतलब कोई आधा घंटा घंटा मतलब गोडी गोडी पानी ने डेली बाने सो ना पानी दो तीन हजार बाने सही हो याद है को कितने की जमीन है बाग लाया बने ये बस थोड़ा जे को अपनी जरूरत है मतलब बस सब्जी सब्जी लाई करने हैं सही जेडी मतलब ए दसो सिर्फ खाली थूम लाने हो थूम लाने हैं सब्जी भी लाने हैं जिले सब्जी का मौसम आई है सब्जियां लाने सब्जियां पालक हो गया मतलब गोभी हो गई है भिंडियां वगैरह हो गई हैं मिर्चें हो गई हैं इस तरह चीज़ा मतलब घर नहीं असर इस्तेमाल कर बड़ी गल है जनाब अपने घर अंदर ये चीज़ा हो जाए फिर लोहड़ी ना क्या बाजार तो चीज़ा फिर कम हो जानिया आनिया घर नाले देसी पता होनी ना अपनी पता ताज़ी चीज़ होनी ना जी उससे बेहतर होनी मज़ा ही अपना होना था माशाल्लाह क्या बात है गोडी करी रहे जैसा कि पहाड़ी लोग बड़े मेहनती होने अज ना साड़ा विलाग है पहाड़ी बंदियों पर जनाब हूँ तुम्हें बड़ी यूनीक चीज़ असं दसन लगे हैं जैसा कि कश्मीर ने जोड़े लोग ठीक है वो जो पानी जो पीने ठीक है वो बड़ा साफ और चश्मे ना पानी पीने ठीक है जैसा कि असं इस पहाड़ी एरिए मिले आ चश्मे ना पानी साफ सुथरा जैसा कि लोग जोड़ा ना आने फिल्टर पर फिल्टर होया वा पानी पीने तो असं दसने कुदरती तौर पर फिल्टर जनाब इस साइड दसो ये बनती भी बावली ठीक है असने लोग इसकी आखने बावली ठीक है इसने नाल बाहर लाए हुए कंडे कंडे इस वजह तो लाए हुए क्या कि गंद वगैरह ना लगा जाए क्या कि पानी साफ सुथरा आया जनाब कंडे असा किते सैट पर हूँ जनाब से पानी चेक कराने जुली दे आई जो अगे जनाब इस साइड दसो माशाल्लाह ये बनती भी बावली जैसा कि जल्द शाम का टाइम होना साढ़े भैन भ्रा जे अच्छे ठीक है गड्डियां ना पानी भरने ताज़ा साफ पानी जनाब इसने ऊपर दसो कि इन्हें कोई लाया हुआ पत्थर को कड़ी दे और इसने नीचे पानी जनाब अच्छा होगा दसो सही तरह माशाल्लाह कोई दो त्रै बीच पत्थर सन और इतना ठंडा पानी है कि साफ नहीं किया जाना जनाब तको माशाल्लाह ये बड़ा ठंडा पानी जरा कि कुदरती तौर पर इतों जरा ना उमनाया पानी ठीक है जिसलै भरी रहने फिर आई जाना ठीक है और इत्थे चलना आया कुदरती तौर पर पानी माशाल्लाह जनाब असं हूँ जा रहे हैं इंतहाई बुलंद तरीन चोटी पर पहाड़नी बैक साइड से तकी रहे हो पहाड़ असं जुले हाँ चंगी चीड़ा ना विजिट करा जैसा कि पहाड़ पर चीड़ा होनी तो हूँ जुले हैं असं बजुर्ग आई रहे माशाल्लाह अपर पहाड़ी पर सन पहाड़ी पर आई रहे त्रै बजुर्ग आए बजुर्गो क्या हाल है ठीक ठाक सब खरी बस जंगलाई टूरी जाए मुड़ी लाई चली थले लाट पुजी आई हूं अच्छा कुदर जुले आज है थे पट्टी पट्टी पर जुले हो अच्छा पट्टी पर क्या करने जुले हो बच्ची आई थे अच्छा सही हला बच्चे की मिलने वास्ते जुले ने ते बाकी दूसरे बुजुर्ग भी है ना अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल ठीक हो क्या नाम सुनो इमाम रबानी इमाम रबानी ते बाकी बुजुर्ग मौजूद है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल ठीक हो हाल खैरियत सुना ना क्या मोहम्मद रफीक मोहम्मद रफीक इन्हों ने नाया जी त्रै बजुर्ग माड़े ना लाई जो जैसा कि असं पहाड़ वाली साइड जाइए रहे अपर ऊंचाई पर दसने वास्ते असें बुजुर्ग मिली है जैसा कि काफ़ी दुशवार रस्ता है थोड़ा जहा इस साइड दसो दे इस रस्ते पर जोड़ा ढली दसने सन और जैसा कि सही पता कि जेडे आज़ाद कश्मीर ने जेडे पहाड़ी खास करी बुजुर्ग होने बड़े मजबूत ने उन्होंने काफ़ी उम्र भी होनी बिल्कुल ये गल है बुजुर्गो काफ़ी उम्र होनी उन्होंने क्या उम्र है तुम इसलिए सत्तर ने करीब जी उन्होंने उम्र है सो अपनी जिंदगी सारी इसे एरिए गुजारी है इलाका ना अच्छा दसो कि क्या कोई सहूलियात हैं तुसें की इस पहाड़ी एरिए विच चीजा वैसे पता नहीं हो चीजा तो बोई हो चीजा बो हो कोई देसी इधर संगे मेवे शेवे करने मिलने मिल जाने ठीक है सारे तो सेब वगैरह ये काफी चीजें ही जगह लगी अच्छा आपको बाहर जा सब्जियां लगता वो भी हो जानी है वो भी हो जानी ये दसो के जरा तुसा सफर करने हो संगे पैदल टूटता के जाना बिना शहर वाली साइड ए सु गड्डी लभी जानी है पीछे पैदल छो पीछे पैदल छना पहाड़ी एरिया के फिर रास्ता दुश्वार हो सरा नहीं गड्डियां छनिया तो ज्यादा सफर जीपा पर करने हो जिला कोटली ने अंदर बड़ा खूबसूरत एरिया इसने अजे तक विजिट नहीं किया विजिट लाजमी करे ठीक है और जैसा कि बुजुर्ग मुलाकात हुई जनाब दसो कि इतने ज्यादातर लोग गजा क्या खाने मतलब क्या है कोई लोग ज्यादातर पसंद करने खाने ज्यादातर मग मर्जी कड़ी लस्सी और क्या होना इथे मग ठीक होनी है इथे मग ठीक है शुगर नहीं होना चिट्टी मग चिट्टी मग जनाब पहाड़ी एरिया नी चिट्टी मग बड़ी मशहूर है शुगर छने विच कोनी शुगर कोनी मक्के भी जड़ा ने चिट्टी मक्के शुगर बिल्कुल नहीं तो ए दसो के नाल लस्सी मिली जानी है चटनी मिली जानी लस्सी मिली जानी दही मिली जानी देसी मंजन हां दुकाना ने बाजारी नहीं दो नंबर है ओ दो नंबर है घरे ने ने क्या ही बातें ए दसो को मंजन शंजन रखी ने कोनी मैं तो को लोका से रखी हूं ना हां वैसे एक चीज बड़ी यूनिक नजर आई इथे लोग ज्यादातर जड़ा कच्चे मकान बनाने इसने क्या वजह गा रहे ने गुड़पुथी ने
गुरबत सिंह पैसा नहीं सर हूँ लोगों को थोड़ी थोड़ी शौर होया मकान पक्के बनाने जाने बिल्कुल जनाब बस इस पहाड़ी एरिए च एक कोठी या बंगला भी नजर नहीं असें आया जनाब एक चीज़ बड़ी मशहूर है जैसा कि दुआ ने तौर पर इस्तेमाल होनी है जिसकी अस आखने कमाल गंदल जड़ा कि बड़ा कमाल करनी है इस एरिए मिली है जैसा कि एक पानी खलता हुआ जिसकी तुम रंगड़ आखी सकने अस रंगड़ आखने ज्यादातर पानी खलता हुआ उस पानी ने अंदर इतनी मकदार कमाल गंदल है तो सड़क कैमरा मैं तुम्हें दसा जनाब इस साइड दसो कमाल गंदल ने बेशुमार जड़ा ना इतना तुम नज़र आई रहे सन मतलब गुच्छे टाइप जड़े ना लगे हुए बाकी असं दसी सकने जनाब ये दसो ठीक है एक कमाल गंदल बहुत बड़ी बड़ी होनी जी छोटी होनी ना उसने भी सही जड़ा ना होना वै रोगन आखी सकने वह मौजूद होना वै वह बड़े जो दर्द की दवा होनी है ठीक है और अगर असं तुझे दसने ये पानी है उसने नाल भी लगी हुई है पानी की वजह तू जड़ा कि इतनी मकदार भी जड़ा ना फैली गई है अब असं यह चीज़ नज़र आई है जैसा कि थोड़ा जहा बूटा जहा नज़र आया जनाब इतने लगे हुए कसरत ने नाल है जनाब हम अस टेस्ट करने कि इसका जायका किस तरीके ने जनाब अच्छो ये साइड थोड़े जे ज्यादा लगे हुए ठीक है जैसा कि काफ़ी जरा टाइम हो गया इसकी लगे हैं ठीक है ये लाने अस जैसा कि इस कंडे भी हैं ठीक है अस लाइन दो बाकी अगर तकिया जाए काफ़ी ज्यादा सामने पर कट्ठे भी हैं ठीक है अस को लाइन जैसा कि कंडे काफ़ी ज्यादा और कपड़े भी फटने का काफ़ी खतरा आ जनाब चेक करी सकने बिल्कुल छोटे छोटे जिस तरह नहीं होने दूसरे तूत जिसके उन्हें शातूत ब्लैक कलर इन्हें थोड़ा कलर चेंज है एक केड़ा कलर है जनाब मस्टर्ड जनाब एक कलर है ते जनाब टेस्ट करने हैं उन कैसे माशाल्लाह जनाब इन्हें जायका जड़ा ना खट्टा मिठा आ तुस आयो ते ये लाजमी टेस्ट करे पहाड़ी एरिए मौजूद तुसन बेशक कुसै स्याने कोलों पुछी किने क्या चीज़ इसकी आखने आखरे और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन जायका इन्हां जनाब फाइनली काफ़ी सफ़र करने तो बाद असा पहाड़ी ने अपर पहुँचे हैं बड़ी परसकून जी जगह पर जनाब दसो माशाल्लाह उच्ची जी चीड़ है ठीक है इसने थले बड़ी खूबसूरत जी पुरसकून छां भी जड़े बैठे हुए हैं इस साइड भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ न इस तो अपर भी बुलंद तरीन पहाड़ न और जनाब जी चीज़ ना जिक्र किया दसा जनाब फाइनली असा खंगारे जड़े ना गठे करी चुके हैं जनाब इस चीड़ा ना लगे होने जैसा कि ये शो पीस ने तौर पर लोग अपने घर में रखने और ज़्यादातर इन्होंने बालन इस्तेमाल होना इन्होंने अंदर कोई जीवन या रोगन वगैरह होना मान लिया वो भी कोई मतलब इस्तेमाल होना अगर खाने वास्ते इस्तेमाल करने और जैसा कि तुम्हें पता जो जंगलों बने लगे जो तो बंदर होने बंदर चढ़े होने चीड़ों पर जैसा कि बंदे तकने बंदे ने बड़े मुखालिफ होने हो अपरो फिर ये मारने रखी रखी बंदियाँ की ठीक है तो जैसा कि असं काफ़ी ढेर भी लाया आया थोड़े अगे अच्छी दसो माशाल्लाह असं काफ़ी कट्ठे किए बड़े असंगी खूबसूरत लगे ने तो असं रखे हुए और इं जगह असं अच्छी तरह बड़ा सुकून महसूस होना जनाब इं जगह कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा न